अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल 6 से लेके 10 तक को डिस्कस करेंगे। आप ज़रा समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। यानी ये चैप्टर नंबर जो है आपके 9th क्लास के 5 में था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें आपने ये फार्मूला पढ़ा था। यहाँ कैपिटल जी, जिसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशंस और इसके जो यूनिट्स डिटरमिन करने के लिए हम कैपिटल जी को लिख सकते हैं एफ आर स्क्वेयर ओवर एम वन एंड एम टू, और इसकी डायमेंशंस अगर लिखें, आप ये देखें कि जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर एम वन एंड एम टू। अप्लाइंग डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई करने पर कैपिटल जी, और यहाँ ये फोर्स की डायमेंशंस हैं एम एल टी की माइनस टू, और ये आर स्क्वेयर की डायमेंशंस हैं एल की पावर टू। एम वन की डायमेंशन भी कैपिटल एम, एम टू की डायमेंशन भी कैपिटल एम। तो इस तरह से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस में एम वन के साथ एम कट गया, ये एम जब ऊपर जाएगा तो एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड फॉर यूनिट्स एफ आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम वन एंड एम टू, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर स्क्वेयर के लिए मीटर स्क्वेयर और एम वन एंड एम टू के लिए केजी स्क्वेयर, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस टू आर द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर टू, यानी 1.7, शो दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ई टी इज डायमेंशनली करेक्ट। आप लोगों ने ये इक्वेशन पहली दफा 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी थी, और इसका नाम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली दुरुस्त है या नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती हैं, एल ओवर टी, एल टी की माइनस वन। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ कंसिडर राइट हैंड साइड वी आई प्लस ए टी। वी आई इज द वेलोसिटी, ई इज एक्सेलरेशन एंड टी इज द टाइम। इसकी डायमेंशन एल ओवर टी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी की माइनस टू, और टी की डायमेंशन कैपिटल टी। अब ये टी और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एल टी की माइनस वन, एल टी की पावर माइनस वन प्लस एल टी की पावर माइनस वन। इसका मतलब है कि दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वंस अगेन दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, और जब दो वेलोसिटी की डायमेंशंस को जमा करेंगे तो सम इज अगेन ए वेलोसिटी। सो एल टी की माइनस वन इज आल्सो सम ऑफ टू वेलोसिटीज इज आल्सो वेलोसिटी। इसलिए हम यहां एल टी की माइनस वन, एल टी की माइनस वन के साथ टू एल टी की माइनस वन नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी को जमा किया तो फिर वेलोसिटी ही हासिल होगी। तो लिहाजा राइट हैंड साइड की डायमेंशंस भी एल टी की माइनस वन। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बिकॉज डायमेंशंस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड आर सेम एज द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 1.8,
drive formula for the speed of sound in air using dimensional analysis. Dimensional analysis को इस्तेमाल करते हुए speed of sound in air का formula drive करें. यहाँ जो चीज़ given है वो ये है कि velocity is directly proportional to the velocity is directly proportional to the density and velocity is directly proportional to modulus of elasticity. इसमें density की power a, modulus of elasticity की power b. अगर हम इस equation और इस equation को combine कर दें तो velocity is directly proportional to डेंसिटी की पावर ए एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की पावर बी. ये प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको इक्वेलिटी में कन्वर्ट करें तो वी इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी की पावर ए और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की पावर बी. नाउ अप्लाइंग डायमेंशनल एनालिसिस ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन. लेफ्ट साइड पे क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी की माइनस वन. राइट हैंड साइड की तरफ जाएं तो कांस्टेंट और डेंसिटी की जो डायमेंशंस हैं ये है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. मास के लिए कैपिटल एम और वॉल्यूम के लिए एल की पावर माइनस थ्री सारे की पावर ए. और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इसकी पावर बी. अब जरा हम देखें, स्ट्रेन हैज नो डायमेंशन, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि ये चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ को ही लेंथ के साथ डिवाइड किया हुआ होता है. और स्ट्रेस का यूनिट है फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स की डायमेंशन एम एल टी की माइनस टू ओवर एल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने पर एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू. अब अगर हम इस इक्वेशन में इन डायमेंशंस को फिट कर दें, एल टी की माइनस वन, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कांस्टेंट, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी की पावर ए एंड द डायमेंशंस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की पावर बी. अब अगर देखें तो एल टी की माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट एम की पावर ए प्लस बी. यहां इसकी पावर ए है और यहां इसकी पावर बी है. जब हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये ए और बी दोनों एड अप हो जाएंगे. मास की पावर्स बन जाएगी ए प्लस बी. एल की पावर बनेगी माइनस थ्री माइनस बी क्योंकि ये माइनस थ्री ए माइनस बी. और टाइम की पावर बनेगी माइनस टू बी. एल टी की माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट एम ए प्लस बी. एल की पावर माइनस थ्री ए माइनस बी और टी की पावर माइनस टू बी. यहां दरअसल हम ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैंने यहां पे एम की पावर जीरो लगा दी. जिस नंबर की पावर जीरो कर दी जाए दरअसल वो वन के बराबर होता है. और वन को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. ये समझ लें कि एम की पावर जीरो सिर्फ वन है. एल टी की माइनस वन ये वेलोसिटी, एम की पावर ए प्लस बी, एल की पावर माइनस थ्री ए माइनस बी और टी की पावर माइनस टू बी. नाउ कंपेयरिंग पावर्स ऑफ एम एल एंड कैपिटल टी ऑन द बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन. अगर हम पावर्स ऑफ एम को कंपेयर करें तो एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर एम की पावर जीरो है और राइट हैंड साइड पर इसकी पावर ए प्लस बी है. एल की पावर लेफ्ट हैंड साइड पर वन है और राइट हैंड साइड पर माइनस थ्री ए माइनस बी के बराबर है. और टी की पावर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ माइनस वन के बराबर है और राइट हैंड साइड पर माइनस टू बी के बराबर है. सॉल्विंग वन टू एंड थ्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू. इस इक्वेशन को अगर गौर से देखें तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बी की वैल्यू वन ओवर टू आ जाएगी. और इक्वेशन नंबर वन क्या है?
ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है ए माइनस बी के बराबर है। और अगर ए माइनस बी के बराबर है तो हम यहां पर b की वैल्यू रख देंगे जो कि 1 ओवर 2 के बराबर है। तो लिहाजा a की वैल्यू हो गई माइनस 1 ओवर 2 और b की वैल्यू हो गई 1 ओवर 2। इस तरह से हमने जो पैरामीटर्स थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी, इनकी पावर्स फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम उसी फार्मूले में नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की पावर हो गई थी a और a की वैल्यू आई थी माइनस 1 ओवर 2, ये डेंसिटी की, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की पावर b थी और b की वैल्यू 1 ओवर 2 थी। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें तो e की पावर 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी की पावर 1 ओवर 2, तो e ओवर रो अंडर द रूट। v इज कॉन्स्टेंट विच इज द रिक्वायर्ड फार्मूला, हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में आगे लिख सकते हैं जिसकी पावर 1 ओवर 2 हो, दरअसल वो उस नंबर का स्क्वेयर रूट होता है। तो v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्क्वेयर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी, विच इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। क्वेश्चन नंबर 1.9, शो दैट e इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर इज डायमेंशनली करेक्ट। ये आइंस्टाइन की ड्राइव करदा इक्वेशन है e इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, और ये इक्वेशन डायमेंशनल एनालिसिस की रेंज में है। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर है e, विच इज एनर्जी। एनर्जी और वर्क एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, वर्क f इंटू डी के बराबर है। एंड नाउ अप्लाइंग डायमेंशंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, दिस इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। दोनों को मल्टीप्लाई करें, m l की 2t की माइनस 2, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क और एनर्जी। ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव m c स्क्वेयर, m इज द मास एंड c स्क्वेयर इज द स्क्वेयर ऑफ वेलोसिटी। इसकी डायमेंशन कैपिटल m और स्क्वेयर ऑफ वेलोसिटी की डायमेंशन l की 2t की माइनस 2। सिंप्लीफाई करके लिखने पर m l स्क्वेयर t की पावर माइनस 2, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशन दे आर सेम। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम, हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यानी ये वाली जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 10, ड्राइव द फार्मूला व्हेन के एक्सेलरेशन जो है वो v की किसी पावर m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r के किसी पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इसको लिख सकते हैं a इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर m, a इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर m, दोनों को कंबाइन कर दें, दरमियान में कांस्टेंट आ जाएगा। अप्लाइंग डायमेंशनल एनालिसिस ऑन द बोथ साइड्स, दोनों तरफ डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई कर दें। तो ये देखिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट v की पावर m r की पावर m, और एक्सेलरेशन की डायमेंशंस है एल टी की पावर माइनस 2 कांस्टेंट, वेलोसिटी एल टी की माइनस 1 और सारे की पावर m, और r जो है इसकी डायमेंशन l इसकी पावर n। सिंप्लीफाई करने पर एल टी की माइनस 2 सी एल की पावर m प्लस n और t की पावर माइनस n माइनस m। नाउ कंपेयरिंग पावर्स ऑफ l एंड t ऑन द बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, पावर ऑफ l 1 इज इक्वल टू m प्लस n एंड द पावर ऑफ t माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस m। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2
to find the values of m and n. इक्वेशन नंबर टू को अगर गौर से देखें तो m की पावर 2 है और इक्वेशन नंबर 1 में m प्लस 1 n 1 के बराबर है, तो यहां से n किसके बराबर होगा, 1 माइनस m, और चूंकि m की पावर 2 के बराबर है तो n की पावर माइनस 1 माइनस 2, n की पावर माइनस 1. इसका मतलब है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमारे पास m की वैल्यू आ गई 2 और n की वैल्यू आ गई माइनस 1. नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ n एंड m इन इक्वेशन नंबर a, a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट v स्केयर r की पावर माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट v स्केयर ओवर r. दिस इज द फार्मूला फॉर ये है फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन अ बॉडी इज रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर. तो इस तरह से ये इसके तकरीबन 10 के 10 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हुए. उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी. इसके अलावा अगर आपको इसका कोई हिस्सा समझ ना आया हो तो आप इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रिंग करके पूछ सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर है 0345 666 4645. और अब मैं इसको ज़रा क्लोज करता हूँ ताकि आप लोग इन जो है ये कि ज़रा जो पिक्स हैं वो भी चाहे तो ले सकें. ये भी इनकी पिक्स जो है वो आप दोबारा देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1.6 ये उससे आगे ओके बेटा. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. इस चैप्टर को अच्छी तरह प्रिपेयर करें. ओके अल्लाह हाफिज़.